प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आज का रविवार का वचन है सेवा। आज का वचन सेवा, मत्ती 4 अध्याय उसका 10 और 11वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। दोस्तों, ये आज का वचन है। शैतान के द्वारा हम पढ़ते हैं वचन में परीक्षा। पहले आदम हवा की हुई और अब नए नियम में यीशु मसीह की हुई। आदम हवा ने उसकी बात मान ली और हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह ने शैतान की, इबलीस की बात नहीं मानी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी रीस करो, तुम मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा नमूना बन गए कि हम उसकी तरह हो जाएं, जैसा वो करता है वैसे करें। जैसे यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी, हम भी ना माने। अगर हम जीवन चाहते हैं, अगर हम अपना भला चाहते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा की। 3 बार उसकी परीक्षा हुई यीशु मसीह की। पहली रोटी के द्वारा, दूसरी ऊपर मंदिर पर उठा लिए जाने से, और तीसरी कि मुझे गिरकर प्रणाम कर। शैतान आराधना का भूखा है, वो हर एक से अपनी आराधना कराना चाहता है। और हमें पढ़ने को मिलता है कि आखिरी समय में, अंतिम समय में प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी किताब में पढ़ने को मिलता है कि सारी पृथ्वी से जितनी उसके भरमाने में आएगी, जो वो पूरे संसार को भरमाएगा, भरमाने वाला शैतान, जितने उसके वश में आएंगे वे सब उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम दोनों को नहीं चुन सकते हैं, एक को चुनना होगा, या यीशु मसीह या शैतान। रोटी को यीशु मसीह ने इनकार किया परीक्षा के दौरान, और आखिरी समय में भी रोटी के पीछे कई लोग उस शैतान के अंक को लगवा लेंगे अपने ऊपर, जो कि माथे पर और हाथों पर होगा उसका, शैतान का निशान 666 अपने ऊपर ना लगवाएं। परमेश्वर के वचन के द्वारा सचेत रहें, जागते रहें। वचन हमें ये कहता है कि तुम्हारा गरजने वाला दुश्मन सिंह, शेर के समान है, जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर में रहें, उसके प्रेम में रहें, उसकी रहमत अपने ऊपर मांगें और उसका साथ अपने लिए। सबको जय मसीह की। आमीन।